हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अगर दुनिया की रैंकिंग जो कि इमिग्रेंट्स को वेलकम करने के ममालक में देखी जाए तो कनाडा दुनिया में नंबर वन आता है, जो कि हर साल दुनिया में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है। और इंडीड बेहतरीन कंट्री और ज़बरदस्त कंट्री है इमिग्रेंट्स के लिए। वो दुनिया की वाहद कंट्री है जहाँ पर कोई एक दूसरे को इमिग्रेंट्स नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी 100% टोटल पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेंट्स पे आबाद है। अगर कोई ख़ुद इमिग्रेंट्स नहीं है तो उसके वालदैन है, वालदैन नहीं है तो उसके वालदैन कन्फर्म बाहर से आए हैं, क्योंकि कनाडा की अपनी आबादी रेड इंडियंस की थी जो कि अब ना होने के बराबर है। दोस्तों, कनाडा ने एक बहुत अच्छा नया रूल जो है वो अनाउंस किया है, उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता चलूँ। जो कनाडा में दोस्त रह रहे हैं उनको लाजमी तौर पे उसको अवेल करना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। वो रूल कुछ इस तरह से है कि 13 अक्टूबर 2020 आज से एक हफ्ता बाद रात को 12 बजे से लेके 13 नवंबर 2020 रात 12 बजे तक एक महीने के लिए जो है एक नई इमिग्रेशन ओपन करने जा रहा है कनाडा, जिसमें आप अपने पेरेंट्स और अपने दादा दादी नाना नानी को अपने पास बुला सकेंगे। ये सिर्फ विजिट वीज़े की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनको पीआर मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंसी। ये बहुत ही एक अमेजिंग जो है वो न्यूज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त एक पैकेज है जो कि इमिग्रेंट्स जो कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए है। जो जो दोस्त वहाँ पे रह रहे हैं और अपने वालदैन को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुलवाना चाहते हैं, वो लाजमी तौर पे इस पैकेज से फ़ायदा उठाएं। इसमें आपको करना क्या है, इसमें ये सिर्फ ज़रूरी है कि आपके पास पीआर होनी चाहिए, आपके पास ख़ुद वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हो कनाडा की। उसके बाद आप उस अपनी जो फैमिली को बुलाना चाहते हैं उनको अफोर्ड करने के लिए आपके पास इतना सरमाया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी हो और आपके जो है रहने के लिए घर में इतनी गुंजाइश हो कि आप उनको अपने साथ रख सकें। ये सेम लाइक अदर कंट्रीज़, अगर आप दूसरी किसी कंट्री में भी बुलाना चाहते हैं तो वही रिक्वायरमेंट सेम कनाडा में भी अप्लाई करती हैं। जिस तरह दूसरे ममालिक में वालदैन को या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया जाता है, सेम उसी तरह यहाँ पे भी बुलाया, वही रूल रेगुलेशन है। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि अभी तमाम जो प्रोसीजर है कनाडा का वो ऑनलाइन जारी है। कोरोना वायरस की वजह से तमाम जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है, ये भी एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी। आप इनके मुतलक जो वेबसाइट है इमिग्रेशन की, वहाँ पे जाके मज़ीद मालूमात इस प्रोग्राम की ले सकते हैं। ये प्रोग्राम 13 अक्टूबर को रात 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उस वेबसाइट पे जाके मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन की क्या तरीक़ाकार है, प्रोसीजर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो चीदा चीदा डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर मज़ीद डिटेल आपने जाननी है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी न्यूज़ भी मैं एक लिंक भी दे रहा हूँ, उसको आप क्लिक करके वो न्यूज़ पढ़ भी सकेंगे और उस पर जो जो कुछ लिखा हो उस पर अमल करते हुए इस प्रोग्राम से लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाएं। जो दोस्त अपने वालदैन को, अपने दादा दादी को अपने पास रखना चाहते हैं, वो खुशकिस्मत हैं कि उनको डायरेक्ट पीआर भी मिलेगी और आपके साथ भी रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।